रूपाणी का सिद्धू पर हमला सामने आया है। रूपाणी का कहना है, सीएम गुजरात के रूपाणी का कहना है कि पाकिस्तान के दलाल हैं सिद्धू, इमरान से दोस्ती के नाम पर सिद्धू दलाली करते हैं, सिद्धू की नौटंकी को पूरा देश जानता है। जो गुजरात से आ रहे हैं, सीएम रूपाणी का सिद्धू पर हमला सामने आया है। रूपाणी का कहना है, सीएम गुजरात के रूपाणी का कहना है कि पाकिस्तान के दलाल हैं सिद्धू, इमरान से दोस्ती के नाम पर सिद्धू दलाली करते हैं, सिद्धू की नौटंकी को पूरा देश जानता है। तो सीधे सीधे हमला गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी की तरफ से सिद्धू पर, उनको पाकिस्तान का दलाल कहा है रूपाणी ने, इमरान से दोस्ती के नाम पर सिद्धू दलाली करते हैं ऐसा कहना है गुजरात के मुख्यमंत्री का। सिद्धू की नौटंकी को पूरा देश जानता है ये भी उन्होंने अपने इल्जाम में कहा है। मेरे सहयोगी अरविंद मेरे साथ इस वक्त अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। अरविंद, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात उन्होंने हमला किया है सिद्धू पर, पहले ये बता दीजिए। देखिए निशा, सिद्धू पिछले 24 घंटे से गुजरात में हैं। कल वो गुजरात आए थे और सिद्धू प्रचार कर रहे हैं बलसाड़ के आसपास से, आज अहमदाबाद में हैं और आज मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी बलसाड़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करने गए थे। और जब उनसे सिद्धू के बारे में सवाल किया गया कि गुजरात में बीजेपी का प्रचार, कांग्रेस का प्रचार करने के लिए सिद्धू भी यहाँ आए हुए हैं, तो मुख्यमंत्री का पत्रकारों को जो जवाब था उनके अनुसार मुख्यमंत्री पाकिस्तान के साथ दलाली कर रहे हैं सिद्धू, और दोस्ती के नाम पर वो दलाली कर रहे हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान में जाकर नौटंकियां करते हैं सिद्धू, उसको पूरा देश जानता है, इस प्रकार का करारा प्रहार मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किया है। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो समझ में आ रहा है, क्योंकि नवजोत इस वक्त गुजरात में रैली करने के लिए, कैंपेनिंग करने के लिए पहुंचे हैं, इस वजह से मुख्यमंत्री उन पर हमलावर नजर आए। बहरहाल